इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में लोग अपने राइट्स का मिसयूज तो करते हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल है मलविंदर सिंह जी, जिनको अपने ही घर में रहने के लिए एक बैटल लड़ना पड़ रहा है और ऊपर से उन्हीं के ऊपर एक फेक हरासमेंट का केस भी डाला जा चुका है। उसने हरासमेंट के आपको मैं क्या बताऊं, मोर देन 20 जगह प्लेसेस पे उसने मेरे अगेंस्ट हरासमेंट का केस वो डाला हुआ है। अपना मकान मांगना अगर हरासमेंट है तो फिर व्हाट कैन आई से, मैं खुद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, मेरे कैटरिक्ट हैं आँखों में, तो यू कैन इमेजिन कि इस एज में मुझे अपनी हेल्थ इश्यूज हैं। अभी मैं इनफैक्ट आपको हर्ष एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल फ्रेश केस। एक महिला है सोनिया केसवानी नाम की, 28 साल की, जबलपुर से। उन्होंने 6 अलग अलग लड़कों के ऊपर रेप केसेस लगा रखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने सारे हैं आज के टाइम पे। अगर हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी अपनी वाइफ का एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है कि नहीं मुझे अब डिवोर्स चाहिए, तब लग जाते हैं ऐसे केसेस। तो उसने अपने बेडरूम में स्पाई कैम लगा दिया, ठीक है। विद इन 2 डेज उसके स्पाई कैम में रिकॉर्ड हुआ कि उसकी वाइफ वाज हैविंग सेक्स विद समवन एल्स इनसाइड हिज ओन बेडरूम। आज की सेंचुरी का सबसे कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक फेमिनिज्म। हमारी जनरेशन के हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब है विमेन आर बेटर देन मेन, ऑल मेन आर डॉग्स, विमेन को मेन पे डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर फेमिनिज्म के बेसिक मीनिंग को समझा जाए तो वो है मेन और विमेन के लिए इक्वल राइट्स। आज की जनरेशन के लिए फेमिनिज्म सिर्फ बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज तक सीमित है। बॉलीवुड मूवीज में किस कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे कर दिया उसके ऊपर लड़ाई करना फेमिनिज्म नहीं है। इक्वालिटी के नाम पे हमारे समाज में हजारों लाखों लोग जूझ रहे हैं, ये लड़ाई उनके लिए है, पर आज की जनरेशन को कौन समझाए। फेमिनिज्म ये वर्ड आज इक्वालिटी के लिए नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। हम लोग जेंडर की इस बेसलेस लड़ाई में इतने बिजी हो गए हैं कि समाज में क्या चल रहा है आज हमने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इक्वालिटी की ये लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। Women are choosing not to identify as feminist. Why has the word become such an uncomfortable one? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे लड़कों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के कोई लॉ ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट की नजर में वायलेंस और असॉल्ट सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हजारों लाखों ऐसी स्टोरीज हैं जिन्हें सुनने के बाद आप बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। फेमिनिज्म टर्म का बेसिक मीनिंग है इक्वालिटी। जब फेमिनिज्म की लड़ाई शुरू हुई थी तो वुमेन को सोसाइटी में वो इम्पोर्टेंस या रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी जो कि मिलनी चाहिए थी, जिसके चलते हुए फेमिनिज्म का ये मूवमेंट शुरू हुआ। 19th सेंचुरी में US में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, जहां पे वुमेन के लिए बेसिक राइट्स, वोटिंग राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अर्न वेजेस की डिमांड रखी गई। और 1960s में सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुई, जिसमें वुमेन के लीगल राइट्स, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट टू रिप्रोडक्शन, ऐसी डिमांड्स को रखा गया। फिर 1990s में फेमिनिज्म की थर्ड वेव देखने के लिए मिली, जहां पे सेक्स पॉजिटिविटी मूवमेंट शुरू हुआ। और आज हम फेमिनिज्म की फोर्थ वेव में हैं, जहां इस मूवमेंट को सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू कंटिन्यू किया जा रहा है। बट स्लोली फेमिनिज्म के जो कोर बिलीव्स थे वो बदलने लगे। वुमेन आर बेटर देन मेन, रिलेशनशिप्स में होते हुए कैजुअल हुकअप करना इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम, लोगों में इस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी। इसे कहते हैं स्यूडो फेमिनिज्म। ऐसे ही कुछ इंडियन मूवीज और सीरीज में भी दिखाया जाने लगा, जहाँ पे चीट करना, मेन को बुली करना, चांटे मारना इज अ कूल थिंग। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर फेमिनिज्म की बात करें, सो इंडिया एक पेट्रियार्की सोसाइटी है। यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों की भी ये सोच है कि उन्हें घर रहना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। इसीलिए इंडिया जैसी सोसाइटी में ट्रू फेमिनिज्म स्प्रेड करना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी, क्योंकि जब हम सोसाइटी में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे तभी एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस ईरानियन लड़की को 74 कोड़े मारे गए क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। ईरान कंटिन्यूज इट्स क्रैकडाउन अगेंस्ट वुमेन एंड इन द लेटेस्ट ईरानियन अथॉरिटीज हैव व्हिप्ड अ वुमन 74 टाइम्स फॉर वायलेटिंग पब्लिक मॉरल्स एंड फाइंड हर फॉर नॉट कवरिंग हर हेड। इस तरीके केसेस में फेमिनिज्म जरूरी है। यहाँ जरूरत है ट्रू फेमिनिज्म की। हमारे देश के रिमोट एरियाज में आज भी लड़कियों को अपने गांव या टाउन में रहकर एजुकेशन लेनी पड़ती है, उन्हें बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने नहीं दिया जाता। 19 या 20 साल की उम्र में उनकी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू करके शादी करा दी जाती है। उनके लिए ड्रीम्स और एम्बिशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ना ही आप उन्हें कभी इंटरनेट पे अपने राइट्स के लिए मर्दों को गाली देते हुए देखोगे। उनके बारे में इनफैक्ट आपको कोई ज्यादा बात करता हुआ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ना तो वो ऑडियंस 4 More Shots जैसी वेब सीरीज देखेगी और ना ही मैन को गाली देने वाले आर्टिस्ट के शो के टिकट्स खरीदेगी।
तो उन्हें मोनेटाइज करना इम्पॉसिबल है। तो ये सारे लोग जो फेमिनिज्म के इस बिलीफ पे लोगों को जेंडर के अगेंस्ट भड़का के काम करते हैं, वो इस पूरे ग्रुप को ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनसे इन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा और वहां इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मूवमेंट्स असल में प्रमोट करते हैं ट्रू फेमिनिज्म। इस तरह की सोच बदलने के लिए ही फेमिनिज्म है, बट बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज इन रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। फोर मोर शॉट्स जैसी वेब सीरीज में फेमिनिज्म के नाम पर कैजुअल सेक्स और चीटिंग को प्रमोट किया जाता है। जो फोर मोर शॉट्स जैसी सीरीज है इनमें बस आपको कुछ लिमिटेड चीजें देखने के लिए मिलेंगी और वो है सेक्स, रैंडम लोगों के साथ कैजुअल ड्रंक सेक्स, मरीन ड्राइव्स पे बैठ के वल्गर वर्ड्स चिल्लाना और कुछ और ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, मेड इन हेवन, लस्ट स्टोरीज, वीरेदी वेडिंग। इन सभी में हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स बहुत ही नॉर्मलाइज वे में दिखाया गया है और इसी वजह से फेमिनिज्म का जो पूरा नैरेटिव है वो चेंज हो चुका है। आज की जनरेशन के दिमाग में इस टर्म का मतलब बहुत ही नेगेटिव बन चुका है। इन्होंने इस जनरेशन को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम लोग इन चीजों के बारे में सोचना बंद ही नहीं करते। अगर किसी मूवी में किसी मेल कैरेक्टर का रोल फीमेल कैरेक्टर से ज्यादा है तो ट्विटर पे वॉर शुरू हो जाती है। लोग ये बहस करने में बिजी हैं कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर कितना टॉक्सिक था और एक्चुअल दिक्कत के बारे में कोई बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, जो कि है इंडिया के नॉट सो जेंडर न्यूट्रल लॉज, इंडिया के डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप रिलेटेड लॉज जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, उन्हें आज एज अ वेपन यूज किया जा रहा है। ऐसे एक दो केसेस नहीं है, हजारों लाखों ऐसे केसेस हैं, बस ये ऑन रिकॉर्ड शो नहीं होते। ये लॉस ब्लैकमेलिंग करने का, अपनी मनचाही चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका बन चुकी है। सैडली इस लॉ का यूज वुमेन प्रोटेक्शन के बजाय सारी गलत चीजों में किया जा रहा है, चाहे बात डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की हो या फिर BNS 69 की। सो बेसिकली BNS के सेक्शन 69 के अंडर अगर कोई लड़का किसी से शादी का प्रोमिस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है और वो फिर शादी नहीं करता या रिलेशन तोड़ देता है और लड़की उस चीज की कंप्लेंट कर देती है, तो ऐसे में लड़के को 10 साल की जेल होगी और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अगर लड़का सेम कंप्लेंट करेगा तो लड़की के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। इन्हीं कमियों के चलते सेक्शन 69 का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको देखते हुए इस सेक्शन को लीगल टेररिज्म अगेंस्ट मैन भी कहा जा रहा है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में लोग अपने राइट्स का मिसयूज तो करते हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल है मलविंदर सिंह जी, जिनको अपने ही घर में रहने के लिए एक बैटल लड़ना पड़ रहा है और ऊपर से उन्हीं के ऊपर एक फेक हैरेसमेंट का केस भी डाला जा चुका है। जैसे कि हम अभी मलविंदर सिंह जी के साथ में है, जो आज हमारे साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करेंगे। मेरी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। आज से 3 साल पहले 1 मार्च 2021 को मैंने एक डॉक्टर मनाली अग्रवाल हैं जो एम्स में जॉब करती हैं, इसी ग्रैंड ओमेक्स की सोसाइटी में किसी के रेफरेंस से उसको 3 ईयर्स के लिए अपना अपार्टमेंट ऑन रेंट दिया था। उस एग्रीमेंट के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा क्लॉज था कि बोथ साइड 30 डेज का नोटिस वो भी किसी टाइम देके खाली करवा सकती है, मैं भी किसी टाइम 30 डेज का नोटिस देके खाली करवा सकता हूँ। एक ये सिंपल सा क्लॉज था, तो इस क्लॉज के ऊपर हमने वो एग्रीमेंट बना के साइन करके उसको 3 ईयर्स के लिए दे दिया। अब 6-7 मंथ्स तक ठीक चलता रहा। 6-7 मंथ्स बाद इसने, मेरे टेनेंट ने, किराया देना बंद कर दिया। तो हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बची, तो हमने इसको फिर अल्टीमेटली 3 महीने वेट करने के बाद जब इसने बीच में किराया स्किप कर दिया तो हमने इसको नोटिस दिया कि वी कांट गो फर्दर, आप 30 डेज का मैं आपको नोटिस देता हूँ, आप ये मेरा मकान खाली कर दो। अब जैसे ही 30 डेज की डेट नज़दीक आई, मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैंने कहा मैम अभी 4-5 दिन रह गए हैं, आप बताओ मैं किस दिन, व्हेन कैन आई कम टू कलेक्ट माय कीज, कौन सी डेट आपको कंफर्टेबल है, मैं उस डेट को आके अपनी कीज लूँ। तो जैसे मैंने मैसेज डाला उसका, इसने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल दिया कि अंकल यू आर हरासिंग मी, यू आर शेयरिंग माई विद माई नंबर विद सो मेनी पीपल, मेरे को अलग अलग लोग कॉल कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और मैं आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस डाल रही हूँ और जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया उनको भी मैं हरासमेंट के अंदर एक केस डाल रही हूँ। और ये कह के इसने मेरे को फ़ोन मेरा ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो वी वर सरप्राइज कि ये क्या हो गया। उसने हरासमेंट के मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मोर देन 20 जगह प्लेसेस पे उसने मेरे अगेंस्ट हरासमेंट का केस वो डाला हुआ है जी। जिसमें अभी अभी वोमन सेल के अंदर मैं हो के आया हूँ, जहाँ पे इसने कंप्लेंट डाल रखी है कि मैं इसको हरास कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहा हूँ और अलग तरह की गॉड नोज कौन सी हरासमेंट कर रहा हूँ। अपना मकान मांगना अगर हरासमेंट है तो फिर
व्हाट कैन आई से, सोसाइटीज वाले इसमें कुछ कर नहीं सकते थे. तो अल्टीमेटली वी वेंट टू द कोर्ट, हमने कोर्ट में केस डाल दिया. कोर्ट में तकरीबन 1.5 साल केस चला और उसमें ये मोहतरमा एक बार भी प्रेजेंट नहीं हुई, एक बार भी नहीं आई, एक भी हियरिंग पे नहीं आई. अल्टीमेटली जज ने 1.5 साल के बाद इसका एक्स पार्टी वो कर दिया, जिसमें इसके ऊपर 14,85,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई. उन्होंने वो 14,85,000 रुपये वो दे दिया इसके ऊपर, पेनलाइज किया कि आप पे करो और 30 डेज के अंदर अंदर ये अपार्टमेंट खाली करो और ये अमाउंट पे कर दिया जाए. अब वो जजमेंट आने के बाद हम वो जजमेंट लेके यहाँ पे आए, हमने सोसाइटी के अंदर वो जजमेंट दिया. सोसाइटी वालों ने, जो पुलिस इंचार्ज है यहाँ पे चौकी में, उनको बुलाया गया, उसको बुला के वो नोटिस दिया गया, एक कॉपी उसको दी, एक सोसाइटी में इसको दी, और पुलिस इंचार्ज ने इसको कॉल करा कि आपके अगेंस्ट ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 30 डेज का टाइम आपका बाहर हो चुका है, आप एक जो भी आपको समय चाहिए 24 घंटे 48 घंटे आप हमें बता दो और ये मकान आप खाली कर दो. तो इसने पुलिस वाले से भी बदतमीजी से बात करी, ACP को अपनी रिपोर्ट भेजी उसने कि इसने मेरे से ऐसे अव्यवहारिक बात अपशब्द मेरे से बोले, कि उसको भी बोला कि तुम मेरे को हरास कर रहे हो. तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं थे, फिर हम ग्राउंड जीरो पे हो गए. तकरीबन 8-9 महीने फिर कोर्ट में वही गोल गोल हम घूमते रहे दोबारा. अब 9 महीने बाद कोर्ट ने फिर उसको इसकी बात मान ली कि चलो हम तुमको एक चांस देते हैं कि आप रिवोक कर देते हैं. उन्होंने रिवोक कर दिया. अब रीहेयरिंग दोबारा वो उसकी हो रही है, लेकिन उसमें फिर वही तारीख पे तारीख. हर्ष, मैं एक बात तो आपको बताना चाह रहा हूँ. दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से सूरजपुर का जो कोर्ट है जी, 75 किलोमीटर वन साइडेड है जी, आना जाना 150 किलोमीटर पड़ जाता है. तो रिलीजियसली हर महीने में 4 से 6 चक्कर मेरे लगते हैं. वहाँ से मैं कैब करता हूँ, मैं खुद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, मेरे कैटरिक्ट है आँखों में. तो यू कैन इमेजिन कि इस एज में मुझे अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे वाइफ के हेल्थ इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ हैं, कि हम उन चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल रही और मैं इनमें यहाँ के धक्के खा रहा हूँ. तो मेरी सोसाइटी के लोगों से भी गुजारिश है कि कुछ आगे बढ़ें, कुछ मदद करें मेरी और इसके ऊपर कोई एक्शन लें और मुझे जल्द से जल्द मेरा अपार्टमेंट वापस दिलाया जाए. मलविंदर सिंह जी की ये स्टोरी हम अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां पे जाके आप रीट्वीट और शेयर कर सकते हो ताकि सर को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल पाए. वी रियली होप कि मलविंदर सिंह जी का ये केस बहुत जल्दी सॉल्ट हो जाए और उनका घर उन्हें वापस मिल जाए. ये सिर्फ एक केस है, ऐसे हजारों लाखों केसेस हमारे अराउंड होते हैं जिनका हमें पता तक नहीं लगता. और इन्हीं केसेस के बारे में फिगर आउट करने के लिए हम पहुंच गए दीपिका नारायण भारद्वाज के पास, जो इस फील्ड में सेल्फलेसली सालों से काम कर रही हैं और उन्होंने हजारों ऐसे विक्टिम्स को भी सेव किया है जो कि फॉल्स एक्यूजेशंस के शिकार थे. सो टुडे वी आर विद दीपिका नारायण भारद्वाज. So first of all, welcome to our channel. Thank you so much, Harsh. And I'm sure आपके experiences और knowledge की वजह से इस video में काफी value add होएगी. Thank you. So, I hope so. आज का topic है toxic feminism. जो हमारा law है, वो कितना gender neutral है और किस gender की तरफ वो biased है, उसमें क्या loopholes हैं? मतलब आप क्या observe करते हैं जब आप ground पे इस बारे में काम करते हैं तो? देखो हर्ष, इंडियन लॉ जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं हर इंडिविजुअल के. और आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है, इन सब में बहुत सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया है. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जेंडर. लेकिन वहीं आर्टिकल 15(3) में एक एक्सेप्शन है जहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉज या प्रोविजन क्रिएट अगर करे जाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है. मतलब स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. अब वो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में बच्चे जो हैं या महिलाएं जो हैं वो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ों से इम्पैक्टेड होते हैं जहाँ पे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. तो ये जो पूरा जेंडर बायस्ड लॉज का जो एक पैकेज है, मेरे ख्याल से तो मैं बोलूँगी इंडिया में, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(3) के अंडर क्रिएटेड है.
जितनी भी हमारी प्रोविजंस हैं जो जेंडर बेस्ड क्राइम्स को डिफाइन करती हैं या पनिश करती हैं, उनमें किसी भी प्रोविजन में आदमी को विक्टिम नहीं माना गया. अच्छा. लेकिन इंडिया में रेप तो चलिए दिमाग में ही सब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रेप की विक्टिम जो है हमेशा एक महिला ही हो सकती है, आदमी के साथ ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन बाकी सारे प्रोविजंस भी जो हैं इंडिया में वो सारे के सारे जेंडर बायस्ड हैं. मैं शुरुआत करूंगी एक बेसिक चीज, और इनफैक्ट मैं आपको कल ही का एग्जांपल देती हूँ. कल ही पुणे मिरर की एक रिपोर्ट थी जहाँ पे ये एक केस आया था जहाँ पे एक लेडी ने अपने हस्बैंड को इतनी बुरी तरह से असॉल्ट किया कि उन्होंने स्टैब कर दिया. ओके. उन्होंने स्टैब कर दिया अपने हस्बैंड को. इसको हम लोग सेट कर लेते हैं. अच्छा, अभी हो गया. एक दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शादीशुदा हैं, और आई एम श्योर वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो पढ़ी लिखी होगी. उसने अपने हस्बैंड को उसके हिप में चाकू से स्टैब किया. वो लहूलुहान हो गया. शी डिड नॉट टेक हिम टू फॉर ए मेडिकल एड. उसके फ्रेंड्स को, उसको लड़के को, आदमी को बुलाना पड़ा और वो जो है वो उसको फिर हॉस्पिटल लेकर गए. और उनके फ्रेंड्स ने जो पुणे मिरर को स्टेटमेंट दी है वो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इसके साथ ऐसा हुआ है. उसकी बीवी उसको लगातार बहुत बुरी तरह से मारती है. ओके. तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी बेसिक चीज जो है, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड ज्यादातर कंट्रीज में जेंडर न्यूट्रल है, इंडिया में वो एक्ट भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है. और जहाँ पे आप कह रहे थे ना कि टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात, देखिए अब यहाँ पे आती है टॉक्सिक फेमिनिज्म. आप कहते हो फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो इंडिया का आया वो ऐसा नहीं है कि 30-40 साल पुराना एक्ट है. वो 2005 में आया हुआ एक्ट. ठीक है, 2000 के बाद आया वो एक्ट. तब तक क्या लोगों को इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी कि जेंडर न्यूट्रल है एक क्राइम जो है डोमेस्टिक वायलेंस? 354 स्टॉकिंग, हालांकि ये सारे सेक्शंस अब चेंज हो चुके हैं भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, लेकिन 354 स्टॉकिंग, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, एनी वर्ड और जेस्टर यू नो स्पोकन अगेंस्ट अ वुमन विच लोअर्स हर डिग्निटी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, रेप लॉ, कोई भी प्रोविजन नहीं है जो एक आदमी को विक्टिम मानता है. तो 1.4 बिलियन की कंट्री में अगर हम लोग ये कहने लग जाएं कि आदमियों के साथ तो कुछ गलत नहीं होता है, उनको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. अभी सपोज BNS 69 की अगर बात करें तो वो बोल रहे हैं लोग कि वो लड़कों के लिए एक बहुत लीथल वेपन है. कोई भी लड़की आपको एक्यूज कर सकती है कि इसने मेरे से शादी का प्रॉमिस करके ही हैज डेवलप्ड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद मी. तो ये केस अगर लड़का सेम लड़की पे फाइल करना चाहे कि उसने मुझे शादी का प्रॉमिस किया और सेम चीज़ें उसने मेरे साथ की, तो वो लड़की की बात को कितना सीरियसली लिया जाएगा, उस पर कोई एक्शन होगा या नहीं? नहीं, BNS 69 की अगर हम बात करें हर्ष, तो ये लॉ बिल्कुल ही जेंडर बायस्ड है. लड़कों की इसमें कोई सुनवाई नहीं है. और सेक्शन 69 लाया तो इस वजह से जा रहा है ये कह के कि भैया शादी का झांसा दे के किसी महिला के साथ जो है प्रताड़ना होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ऐसे चीटिंग होती है, डिसीट होती है. लेकिन ऐसे केसेस हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं जहाँ पे ब्रेकअप का एक लड़के और लड़की के बीच में कोई भी रीजन रहा हो हर्ष, कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हुआ हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हुआ हो, लड़की की टॉक्सिसिटी की वजह से ब्रेकअप हुआ हो, लड़की अब्यूजिव हो, लड़की चीट कर रही हो लड़के को, अगर लड़के ने ये डिसीजन ले लिया कि उसे ब्रेकअप करना है, तो लड़की जो है, लड़कियां जो हैं आज के टाइम पे हजारों केसेस ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने जाके ये बोल दिया कि ये मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप कर रहा था. तो वो जो शादी का झांसा देके रेप करने वाली चीज थी, अब उसका एक बिल्कुल ही नया सेक्शन ले आए हैं इसको ये लोग, सेक्शन 69. और सबसे बड़ी बात, कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे. जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, उसके बाद 4 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद, मैंने तो ऐसे भी केसेस डॉक्यूमेंट कर रखे हैं जहाँ पे 15 साल के बाद किसी महिला ने बोला, 32 साल का भी एक केस है, आफ्टर 32 years ऑफ रिलेशनशिप अ वुमन फाइल्ड अ रेप केस ऑन द मैन सेइंग दैट फॉर द लास्ट 32 years ही वाज रेपिंग हर बाय गिविंग हर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज. Okay, 32 years के लिए. और इस केस की आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है एकदम से.
और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है. रेप तो सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ है, उसमें तो कोई है नहीं. 69 भी नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है. जो मैं कह रही थी, कोई भी अगर कारण हो, कोई भी डिस्प्यूट का कारण हो, अगर एक महिला चाहे तो जाके किसी भी आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है इस तरह का एलिगेशन लगा के. जैसा मैं बोल रही थी, कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, तो वो अगर बोले कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले, हम लोगों ने मीटू में देखा है, राइट? हम लोगों ने मीटू में देखा है कि 6 साल पहले ऐसा हुआ, 7 साल पहले ऐसा हुआ, उसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया, एकदम से कंपनीज ने जो है उस आदमी को जॉब से निकाल दिया. कोई प्रोसीजर, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई एक नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं गया, उस किया गया मीटू मूवमेंट के टाइम पे. तो यहाँ पे भी अगर आप बोल देंगे कि 3 साल पहले आपके साथ ऐसा हुआ था, पहली बात तो वो आदमी कैसे प्रूव करेगा कि उसने कोई प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था. इट इज जस्ट हिज वर्ड वर्सेस हर वर्ड. और जितना मैं एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे झूठे रेप केसेस को के साथ काम करने का, जस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द वुमन इज सफिशिएंट. ठीक है ना. अभी मैं इनफैक्ट आपको हर्ष एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल फ्रेश केस. एक महिला है सोनिया केसवानी नाम की, 28 साल की, जबलपुर से, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी दुनिया को सब जानने वाली. उन्होंने 6 अलग अलग लड़कों के ऊपर रेप केसेस लगा रखे हैं, ये कह के कि उन्होंने उसको शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया. अब जो है वो अरेस्ट हो गई है ऑन द चार्जेस ऑफ एक्सटॉर्शन एंड दैट्स व्हाई आई कैन टेक हर नेम. लेकिन उसकी एक वीडियो मैंने कल ही रिलीज करी है. उसमें जिन लोगों के साथ, जिस लड़के के ऊपर उसने रेप का एलिगेशन लगाया है, उस लड़के के साथ और उसकी बहन के साथ बैठ के हंसी ठट्ठे के साथ, ये एक सो कॉल्ड रेप विक्टिम है, हंसी ठट्ठे के साथ बात कर रही है कि मैंने 164 स्टेटमेंट दे दी है, तो हंस रही है सोनिया केसवानी उस वीडियो में. और उसके बाद वो बहन पूछती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कोई भी झूठ लिखवा दो, कोई भी महिला कुछ भी बोल सकती है फिर तो. तो सोनिया आगे से बोलती है कि बिल्कुल 376 और 377 में कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जो महिला बोले वही सुना जाता है. और वो बोलती है कोई मेडिकल एविडेंस भी नहीं चाहिए इन केसेस में, कोई भी एविडेंस नहीं चाहिए इन केसेस में, सिर्फ 376 और 377 में जो भी लड़की बोले वही कोर्ट जो है सुनती है, उसी स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आदमी को कन्विक्ट भी कर सकती है. तो लड़की को इतना कानूनों का, लॉ का इतना ज्ञान है उसको, और वो बकायदा उस वीडियो में बोलती है हर्ष कि ना तो मेरे साथ आज तक किसी ने जबरदस्ती की है, ना ही कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है. तो एक लेडी जो ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑब्वियसली ये लोग सीक्रेटली उस वीडियो को शूट कर रहे थे, जो लड़की ये कह रही है एक वीडियो में कि ना किसी कोई जबरदस्ती, ना किसी ने जबरदस्ती की है, ना कोई जबरदस्ती कर सकता है, वो लड़की 6-6, 7-7 रेप केसेस फाइल कर चुकी है. तो उससे क्या प्रूव होता है कि लड़की जो बोले पुलिस को तो वही स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, धाराएं लगानी पड़ती है और आदमी को अरेस्ट करना पड़ता है. उसके बाद आप कोर्ट में लड़ते रहो सालों साल अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए. और रिसेंटली बहुत सारे एक्सट्रोशन के केसेस सामने भी, एक जसलीन कौर का बहुत फेमस केस था, और मतलब जहाँ पे यही चार्जेस लगा के पैसे एक्सट्रॉट करने का एक तरीका बन चुका है. तो मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो आज भी बहुत कंजर्वेटिव है. बिल्कुल भी रियल. अगर सपोज मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लूँ, कोई मेरे ऊपर भी अगर एक फेक एलिगेशन लग जाए, मेरे घर पे पुलिस आ जाए एक बार और मैं अरेस्ट हो जाऊँ, अगले 2 दिन बाद अगर कोई ये भी प्रूव कर दे कि हर्ष वॉज इनोसेंट, लेकिन मेरी इमेज सोशली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी. एक आदमी के लिए तो ये बहुत स्केरी है, ये एलिगेशंस लगना. इसीलिए मुझे लगता है कि एक्सटॉर्शन स्कैम्स यहाँ पे बहुत बहुत कॉमन हो चुके हैं. और किस कॉन्फिडेंस के साथ और किस डिग्निटी के साथ लोग ऐसा कर सकते हैं, और हमारे जैसे नॉर्मल लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाले की इंटेंशंस हमारे साथ ऐसी हो सकती हैं, मतलब ये तो बहुत फिर स्केरी और कंफ्यूजिंग है. हर इन चीज़ों के लिए तो मैं भी बहुत बार कन्फ्यूज हो जाती हूँ. किसी इंसान के दिल में क्या है ये जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं जो हैं गलत करती हैं, बहुत सारे आदमी हैं वो बहुत गलत करते हैं. अभी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी वेडिंग कॉन करके, तो उसमें बहुत सारे केसेस थे जहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू हुए लेकिन जो आदमी था वो बिल्कुल फ्रॉड था. तो कोई भी फ्रॉड हो सकता है.
मुझे लगता है कि थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए आज के टाइम पे. ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हैं, इजी मनी बनाने के लिए बैठे हैं. और जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है. ज़्यादातर जो लोग होते हैं, खासकर ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं, और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ये लड़कियां अकेली ऑपरेट नहीं करती हैं, इनके पीछे या तो इनके साथ एडवोकेट्स मिले होते हैं या फिर कोई गैंग होता है या फिर हालांकि इस वाले केस में, सोनिया वाले केस में, मेरे को तो अभी तक ऐसी कोई एंटिटी मेरी नॉलेज में नहीं आई है जो एक्चुअली उसका पूरा पीछे से उसको पुश कर रही हो. सोनिया ही इस तरह का काम करती है. और उससे पहले गुड़गांव भी मैंने एक केस किया था, उसमें भी उस लड़की ने अलग अलग 9 रेप केसेस कर रखे थे 9 लड़कों के ऊपर. तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई गैंग वगैरह नहीं दिखा इन केसेस में तो एटलीस्ट. लेकिन एक्सप्लॉयटेशन एग्जैक्टली जो आपने बोला उस वजह से होती है कि लड़का जो है वो डर जाएगा. लड़का जो है, हमारे समाज में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि लड़कियां कुछ भी एलिगेशन लगाएं तो लड़के को गिल्टी मान लिया जाता है. उस चीज की नॉलेज जो है, उस चीज, वो एक सोशल शेम का जो पर्सपेक्टिव है, ये जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं वो उसको यूज करते हैं. एक एक यहाँ पे ये भी एलिमेंट आ जाता है हर्ष की, लीगल सिस्टम के साथ जूझना इज नॉट एन ईजी थिंग. आपके ऊपर एक FIR डालना इज सो ईजी, बट आपको उस FIR को डिफेंड करना, उस केस को लड़ना, कोर्ट्स में जाना, अपनी इनोसेंस प्रूव करना, दैट इज अ लॉन्ग लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. एक एक मिडिल क्लास आदमी के तो मतलब सोचते ही पसीने छूट जाते हैं FIR सुनते ही. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और इस वजह से मतलब बहुत बार लोग बोलते हैं कि अच्छा इतने ऐसे कितने केसेस हैं. पहली बात तो ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट कहीं होते नहीं है. लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हम आंकड़ा देखें तो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो सेक्शंस हैं उसमें 8-10% या अलग अलग सेक्शंस के अलग नंबर्स हैं फॉल्स केसेस के. जैसे रेप 498A के जो का जो आंकड़ा है वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहती हैं कि 12-15% या किसी साल 20% थोड़ा वेरी होता रहता है झूठे केसेस होते हैं. रेप के केसेस में 8-10% ऑफिशियली वो बोलते हैं कि झूठे केसेस होते हैं. लेकिन ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जो कभी FIR तक जाते ही नहीं है. पहले ही आदमी और उसकी फैमिली ये सोचता है कि भैया चाहे 50,000 हो चाहे 50, मैं तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़के ने कोई चांस ही नहीं लिया. चाहे 25 लाख रुपए मांगे गए, चाहे 50 लाख रुपए मांगे गए, उन्होंने कहा भैया आप ये पैसे लो और हम जोड़ रहे हैं ये हाथ. तो जो ये एक्सटॉर्शन के केसेस हैं या जो केसेस के नाम पे जो एक्सटॉर्शन हो रही है उनकी वॉल्यूम्स क्या हैं, देर इज नो रिसर्च, देर इज नो डेटा दैट इज अवेलेबल ऑन एन ऑफिशियल ग्राउंड. क्योंकि वो ऑफिशियली फाइल होने से पहले ही सेटलमेंट हो जाता है बैक एंड पे. जी, लड़कों की ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना हर्ष, उनको लगता है कि कोई उनके साथ कुछ कर नहीं सकता है. बड़े ओवरली कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार एक कोई लड़की हमारे साथ ऐसा कैसे कर देगी. ठीक है ना. और चाहे उनके साथ हुआ भी हो, किसी ने मैटर सुलटा भी लिया हो, तो भी समाज में आके वो कुछ बताने की कोशिश नहीं करते हैं. मेरे लिए इतना मुश्किल होता है, मैं आपको बता नहीं सकती. ये जो सीरियल रेप केस फाइलर्स की जो मैं सीरीज कर रही हूँ, गुड़गांव में एक लड़की जिसने 9 रेप केस किए थे 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर, ये जबलपुर की मोहतरमा जिसने 6 रेप केस किए हुए हैं, एक जयपुर में एक मोहतरमा है उनके ऊपर भी जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कार्यवाही हो, बहुत दिनों से मैं काम कर रही हूँ. उसने 11 रेप केसेस करे हुए हैं. एक दिल्ली की मोहतरमा है, 3-4 बार शादियां कर चुकी है, 5-6 रेप केस कर चुकी है. तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इन लोगों को सामने लेकर आना, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इन फैमिलीज को कन्विंस करना कि दे स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एंड फाइट फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि बस ये सोचते रहते हैं ये लोग कि समाज में बड़ी बदनामी होगी, समाज में बड़ी बदनामी होगी. और ये जो लोग इस तरह का फायदा उठाते हैं कानूनों का या फिर किसी भी आदमी की मजबूरी का, उनको अच्छी तरह से पता होता है कि ये बंदा कहीं जाके कुछ बोलेगा नहीं. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने सारे हैं आज के टाइम पे. अगर हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी अपनी वाइफ का एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है कि नहीं मुझे अब डिवोर्स चाहिए, तब लग जाते हैं ऐसे केसेस. यहाँ पे दिल्ली में एक केस है, एक लेडी है, वो उसने शादी करी, अरेंज मैरिज थी, वो उसके बाद जाके अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी. दोनों फैमिलीज दिल्ली की हैं लेकिन लड़का जो है बाहर काम करता था. वो महिला जो है अपने हस्बैंड के साथ जाके रहने लगी, सारे दिन फोन के ऊपर लगी रहती थी, सारी रात फोन के ऊपर लगी रहती थी. इस लड़के को बहुत अजीब लगने लग गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तो उसने अपने
बेडरूम में स्पाई कैम लगा दिया. ओके ठीक है. विद इन टू डेज उसके स्पाई कैम में रिकॉर्ड हुआ कि उसकी वाइफ वाज हैविंग सेक्स विद समवन एल्स इनसाइड हिज ओन बेडरूम. और वो हालांकि उसको पता तो था कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि समथिंग इज दिस रॉन्ग. तो उसके बाद जो है परिवारों में ऑब्वियसली बातचीत होनी थी, मतलब हु विल एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस. तो उस लड़की ने फिर बाद में ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मुझसे तो गलती हो गई थी. लड़की की फैमिली ने बोला कि भाई लड़का डिसाइड करेगा, उसको आपके साथ जिंदगी बितानी है, इट इज हिज डिसीजन वेदर ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद दिस मैरिज और नॉट. और लड़का जो है उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पा रहा था कि भाई उसने क्या देख लिया. तो ही सेड कि आई कैन नॉट कंटिन्यू. बस पूरे परिवार के ऊपर डाउरी का केस कर रखा है, पूरे परिवार के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है. और मोहतरमा कह रही है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए. 2 करोड़ खाली मनी में 2 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि मैंने अफेयर किया था. 2 करोड़ चाहिए क्योंकि मैंने शादी के कुछ ही महीनों बाद अपने बॉयफ्रेंड को अपने ही अपने हस्बैंड के घर पे बुलाया एंड आई वाज हैविंग सेक्स विद हिम इनसाइड हिज हाउस देयर हाउस. टेक्निकली शादी में गलती चाहे आदमी की हो चाहे गलती लेडी की हो, लेकिन हमारे लॉज या फिर शादी में ही नहीं रिलेशनशिप में लड़की चाहे लड़के गलती चाहे लड़के की हो गलती चाहे लड़की की हो, अगर हम क्रिमिनलाइजेशन देखें तो वो सिर्फ आदमी की ही है. इतने ऐसे हजारों केसेस हैं जहाँ पे आदमी जो है सालों साल की लड़ाई के बाद अपना डिवोर्स केस जीतता है इन ग्राउंड्स पे कि उसकी वाइफ जो है उसके साथ क्रूअल थी. तो आप देखिए कि अगर वाइफ क्रूअल है तो हस्बैंड को सिर्फ डिवोर्स दिया जाता है, लेकिन अगर हस्बैंड क्रूअल है तो वाइफ को जो है एलिमनी भी मिलती है, मेंटेनेंस भी मिलती है. अगर वो इंसान जो है 498A या बाकी के जो लॉज हैं उसमें अगर उसने एक्चुअली में गलत किया है, अगर उसकी कन्विक्शन हो जाए तो उसको जेल भी हो सकती है. तो मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है. और हम 21st century में जीने की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के जो लॉज हैं वो प्रोग्रेसिव तो हम लोग बड़ा बोल रहे हैं, यू गो गर्ल और पावर गर्ल और ये सब बोल रहे हैं हम, लेकिन व्हाट अबाउट द बॉयज. अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें एक लड़का एक लड़की से डेटिंग ऐप पर मिलता है और उनका रिलेशनशिप लगभग 8 या 9 महीने चलता है. उस लड़के के पास पहले दिन से, जिस दिन वो स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट जो भी होता है मुझे नहीं पता हुआ होगा, लेफ्ट रिजेक्ट करने का और राइट वो पता नहीं, वो अलग अलग एप्स का कुछ होता होगा, एनी विच वेज. तो ये लड़का इस लड़की के साथ जिस दिन से डेटिंग ऐप पे इन लोग का मैच होता है उस दिन से लेकर जब तक इनका रिलेशनशिप ब्रेकडाउन नहीं हो गया तब तक की इनके पास चैट्स हैं. जिस दिन वो मिलते हैं डेटिंग ऐप पे उसी उससे अगले दिन ही ये लोग मिलते हैं, एयरबीएनबी बुक करते हैं, एयरबीएनबी में 3 दिन रुकते हैं. उसके बाद अगले 6 महीनों तक ये पता नहीं कितनी बार मिलते हैं. और कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि इट इज द वुमन हु हैज बीन सेंडिंग वेरी सिडक्टिव एंड सिड्यूसिंग मैसेजेस टू द मैन. ठीक है. लेकिन 1.5 साल के बाद वो लड़की जो है जाके रेप केस कर देती है, सेइंग कि इस बंदे ने उसको शादी प्रॉमिस किया था, वो अब शादी नहीं कर रहा है, इससे पैसे ले लिए और बहुत सारी एलिगेशंस. इतनी व्हाट्सएप चैट्स होने के बावजूद वो लड़का 1.5 साल जेल में था. तो लड़के के फेवर में ऐसी सिचुएशन में क्या चीज काम कर सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स? देखिए मैं लड़कों को एक ही एडवाइस दूंगी, देयर इज नो 100% फुल प्रूफ फॉर्मूला टू अवॉइड अ फॉल्स एक्यूजेशन. चाहे वो रेप के केसेस हैं, चाहे वो डाउरी के केसेस हैं, अगर कोई इंसान बोले कि आप ये कर लो और वो कर लो और 200% गारंटी दे तो आपके ऊपर फॉल्स केस नहीं होगा, तो वो इंसान बेवकूफ बना रहा है. आजकल ऐसे बड़े लॉयर्स हैं जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इस तरह की रील्स बनाते हैं. तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो, लेकिन कोई ऐसे फुल प्रूफ फंडाज नहीं है जो आपको किसी फॉल्स केस से बचा पाए. नाउ कमिंग टू कि अगर मान लो कोई लड़का ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं या एक फीलिंग आ रही है, जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे केसेस आने लग गए हैं जहाँ पे
बकायदा लड़कियां जो हैं पढ़ी लिखी, एक MBA इंस्टीट्यूट का मेरे पास अभी एक केस आया है जहां पे लड़का जो है अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहा है भाई शादी के लिए, वो लड़की को बहुत प्यार करता है, वो लड़की भी उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिजिड है। जैसे वो वाली मूवी नहीं आई थी आलिया भट्ट और उसकी, हाँ टू स्टेट्स, ऑब्वियसली चेतन भगत की वो रियल स्टोरी है। तो भाई ठीक है, अब पेरेंट्स मान गए दोनों साइड की फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कल्चरल डिफरेंसेस और बहुत सारी डिफरेंसेस की वजह से पेरेंट्स कभी कभार नहीं मानते हैं शादी के लिए भैया। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है एक लड़के की भी जब वो किसी लड़की से प्यार करता हो और इस तरह के रिजिड माइंडसेट की वजह से वो अगर उससे शादी ना कर पा रहा हो, लेकिन क्या वो बंदा क्रिमिनल है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो ये इस केस में लड़की जो है उसको बकायदा प्रॉपर थ्रेट्स दे रही है कि तुम अच्छी तरह से एफर्ट नहीं कर रहे हो अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए कि हम लोग शादी करें, और अगर तुम नहीं मना पाए आई विल हैव टू टेक लीगल रिकॉर्स ऑफ लॉ, यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस फाइल करूंगी। तो अगर आपको इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं आप उन थ्रेट्स को डॉक्यूमेंट कीजिए, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे चैट अगर कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, मतलब डॉक्यूमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं या अपने ऐसे इंसान को बताएं जिसके साथ आप ये चीजें कन्फाइड कर सकते हैं और उनके पास कहीं ना कहीं अपनी एविडेंसेस का बैकअप भी रखें। कल ही मेरे पास एक ये पूरा का पूरा, इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी हर्ष, वो आप यूज कर सकते हैं। उस लड़के ने, वो लड़का 7 दिन जेल में रहा और बाहर आ गया, उसका अपनी ऑफिस में ही एक लड़की के साथ अफेयर था, बट वो ब्रेकअप हो गया उनका और उसके बाद उस लड़की ने उसके ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया। तो वो 7 दिनों में इस वजह से बाहर आ पाया क्योंकि उसने अपनी सारी चैट्स, अपने सारे एविडेंसेस का बैकअप लेके और अपने एक बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट को दे रखे थे। वो सारे प्रूफ जो है कोर्ट में दिखाए गए और उन ग्राउंड्स के ऊपर उस लड़के को इतनी जल्दी बेल मिल गई। अदरवाइज क्या होता है, यूजली इन केसेस में जो है लड़के का फोन स्नैच कर लिया जाता है या पुलिस द्वारा ले लिया जाता है। ऐसे भी मैंने केसेस हैंडल किए हैं जहाँ पे लड़के का फोन लेके उस लड़के का पूरा डेटा डिलीट कर दिया, वाइप ऑफ कर दिया फोन से, ठीक है ना, ताकि उसके पास कोई प्रूफ ना बचे। तो ऐसी भी चीजें होती हैं हमारे पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है लड़कों के लिए कि वो ऐसी चीजों को, ऐसी एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट करें, उनका बैकअप रखें, अपने किसी क्लोज इंसान से उस बात के बारे में शेयर करें। और अगर कोई इस तरह के थ्रेट्स दे रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि जी सीधा मैं तो यही कहूंगी कि आप प्लीज जाके पुलिस स्टेशन में एक एटलीस्ट NC जरूर फाइल करके आइए। पुणे का केस हम लोगों ने एक हैंडल किया था, उसमें एक लड़का था, बड़ा यंग सा लड़का था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उससे बड़ी थी और वो इतना ज्यादा उसको अब्यूज करती थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भेजी उस लड़के ने कि कितनी बुरी तरह से माँ बहन की गालियां वो उसको देती थी, उसके परिवार को गालियां देती थी, उसके माँ बहन को गालियां देती थी, मतलब बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थी। तो उस लड़के ने ब्रेकअप कर लिया एंड विद 6 महीने या मेरे ख्याल से 1 साल के बाद ही मेट सम गर्ल एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग हर, और उन दोनों का जो है फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। इस लड़की को पता चल गया जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो 6 महीने 1 साल के बाद वो उठकर आती हैं और उसको बोलने लगती हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस डालूंगी। उसको फोटो भेजती थी पुलिस स्टेशन में जाके, पुलिस स्टेशन की, कि देख मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस फाइल करूंगी। वो बेचारा इतना पगला गया था लड़का, ही फेस्ड इट फॉर 2-3 मंथ्स एंड देन ही गॉट इन टच विद मी। मैंने उसको बोला कि तू इसको और भेजने दे धमकियां, आराम से भेजने दे धमकियां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड़गांव में भी मैंने ऐसा ही केस हैंडल किया था, मैंने कहा भेजने दे, हाँ सीधा जितनी धमकियां भेजती है ना लड़कियां, भेजने दे इसको, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, डू नॉट रेड लाइट, डू नॉट रिएक्ट एंड डू नॉट लूज योर पेशेंस, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं एविडेंसेस हैं जो इस लड़की के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी। इवेंचुअली हम लोगों ने जाके, देयर इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन इन पुणे, हिज नेम इज हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी ने प्रो बोनो इस लड़के की हेल्प करी और हम लोग पुलिस स्टेशन गए, हम लोगों ने NC फाइल करवाई। और जो लड़की पहले धमकी दे रही थी कि मैं पुलिस स्टेशन में और पुलिस तो मेरे को तुम्हारे ऊपर इमीडिएटली FIR फाइल कर देगी, वहां पे पुलिस वालों ने उसको बोला कि भैया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आ गई है यहाँ पे, लड़का FIR फाइल करना चाहता है, अब तुम देख लो तुमने क्या करना है, ठीक है। अगले दिन लड़की का मैसेज आ गया
तूने मुझे धोखा तो दिया है लेकिन जा तुझे तेरा कर्मा तुम्हारा कर्मा तुम्हारे को पनिश करेगा। मैं कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एफआईआर फाइल नहीं कर रही हूँ, और ये मत सोचना कि मैं डर गई, ठीक है। तो यू बी कॉन्फिडेंट, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो हो सकता है कि आप डेफिनेटली सफर करें बिकॉज हमारे लॉज बहुत बायस्ड हैं, बट डू नॉट गिव अप, फाइट फॉर योर ट्रूथ, फाइट फॉर योर सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्ष मैं ये भी बोलूंगी, बहुत लड़के मुझे बोलते हैं कि मैम इतना बुरा हो रहा है हमारे साथ, कोई हमारा साथ नहीं देता। मैं यंगस्टर्स जो हैं, खासकर जो यूथ है हमारी कंट्री का, जो लड़के हैं जो बहुत ही इन चीज़ों से डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, मैं उनको सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सी एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि महिलाओं को उनके अधिकार बहुत ही आसानी से मिल गए हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। वेमेन हैव फॉट फॉर देयर राइट्स फॉर आई थिंक नाउ सेंचुरीज, ठीक है ना। इंडिया में ही जो विमेन्स राइट्स मूवमेंट है वो इतने दशकों पुरानी है, हजारों लाखों महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए हैं, उसके बाद उनको वो राइट्स मिले हैं, कोई बहुत आसानी से राइट्स नहीं मिल गए। और इस प्रोसेस में जाने कितनी महिलाएं हैं जो सैक्रिफाइस हुई, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा फेस किया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और तब की बात तो क्या हम लोग करें, आज के टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत होता है, बहुत ज्यादा क्राइम्स की वो शिकार होती हैं। आए दिन हम लोग केसेस ऐसे रीड करते हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं, किसी को जला दिया, किसी को छोटी सी बच्ची को रेप कर दिया गया। तो ऐसे बहुत मॉन्स्टर्स हैं हमारे कंट्री में जिनके लिए इन लॉज की ज़रूरत है, उनको पनिश करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपने राइट्स चाहते हैं तो आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने ट्रूथ के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी इनोसेंस के लिए लड़ना पड़ेगा, पूरी जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसी लड़कियों को पनिशमेंट मिले, ऐसी लड़कियों के खिलाफ आप कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ें और अपनी ना सिर्फ इनोसेंस प्रूव करें लेकिन उस लड़की के खिलाफ भी एक्शन लें। तो चेंज जो होता है वो इतने जल्दी नहीं आता है, द सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ चर्न, ठीक है ना। अब महिलाएं बड़ी जो, क्योंकि सोसाइटी ने पूरा इट्स कम टुगेदर टू एम्पावर वुमेन, तो बहुत सारी वो एम्पावर्ड वुमेन हैं जो टॉक्सिक फेमिनिस्ट्स में बोलूंगी उनको, जो अपने अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बट उनके अगेंस्ट आदमियों को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, एनी मूवमेंट एनी चेंज इज नेवर इजी, यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड फाइट वेरी हार्ड फॉर इट। सो मैं, बल्कि जितने भी आपके ऑडियंस हैं, मैं आपसे उनसे ये भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा फेमिनिस्ट्स के साथ लड़ाई करने से ज्यादा बेटर है कि हर सवेरे अपना न्यूज़पेपर खोलें अपनी ही सिर्फ शहर का, वहाँ पे ऐसे कोई केसेस देखें जहाँ पे किसी लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके परिवार से जाके मिलें, एक सपोर्ट ग्रुप बनाएं अपने लोकल लेवल पे जहाँ पे लड़कों की या पुरुषों की जो इस तरह के केसेस से डील कर रहे हैं या डिप्रेशन में हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, उनको हेल्प प्रोवाइड कीजिए, उनकी स्टोरीज सामने लाने की कोशिश कीजिए, उनकी मजबूरी के बारे में सोशल मीडिया पर बात कीजिए। जो ये गुमनाम चेहरे हैं आदमियों के जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, झूठे केसेस हो रहे हैं, कर रहे हैं या डिप्रेशन में हैं, उनके परिवारों को जाके मदद कीजिए, उन आदमियों को जाके मदद कीजिए। दैट्स हाउ यू विल ब्रिंग अ चेंज। सोशल मीडिया पे कमेंट करने से या फेमिनिस्ट के साथ लड़ने से कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कीबोर्ड वॉरियर्स, क्योंकि फाइट नहीं, ये कोई आदमी औरतों के बीच की फाइट नहीं है आज। इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन मेन वर्सेस वुमेन, इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन हु आर मोर रॉन्ग, वेदर मेन और वुमेन, इट्स अ फाइट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड द रॉन्ग पर्सन शुड बी पनिश्ड। इट्स नॉट द जेंडर दैट शुड बी पनिश्ड, इट्स द रॉन्ग दैट शुड बी पनिश्ड। एग्जैक्टली, यही बोलूंगी आपके ऑडियंस को हर्ज की मेरी डॉक्यूमेंट्रीज मार्टर्स ऑफ मैरिज यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देखिए। इंडिया सन्स www.indiasons.com पर अवेलेबल है, वहाँ पे उसको देखिए। तो आप उन चेहरों से और उन जिंदगियों से मिल पाएंगे जो इस तरह के केसेस, जिसकी मैंने बात की है, उस वजह से तबाह हो गए और जिनको इस तरह की सिचुएशंस जो है फेस करनी पड़ी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो प्लीज स्पीक टू समवन। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप
फील कर रहे हैं तो प्लीज स्पीक टू समवन. आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी मेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो हेल्पलाइंस रन करती हैं. आप प्लीज रीच आउट कीजिए. सेव इंडियन फैमिली करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक हेल्पलाइन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो काउंसिल करते हैं. 888-2498-498 उनका नंबर है. एक ऑर्गेनाइजेशन है सहोदर ट्रस्ट, उनका नंबर है 9811-850-498. एनसीएम इंडिया फॉर काउंसिल ऑफ मैन काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स है, आप उनसे रीच आउट करिए. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, तो आप अकेला फील मत कीजिए. Obviously, none of these people can solve your cases. या जिस situation में आप हैं उसको हम solve नहीं कर सकते हैं completely. But we can lend you a helping hand. And I'm sure that that's a great support as well. So please reach out if you're in problem.